तो भैया ये मतलब ये जो दिख रहा है ना ये अपने किस काम आता है? ये जैसे ये अपने सिलेंडर के अंदर दवाई छिड़काव करने के लिए काम आता है। यहाँ से इससे डायरेक्ट ग्रीन हाउस के अंदर नलियों के द्वारा छिड़काव, मतलब अपन उनको बार बार छाटना बार बार डालने की जरूरत नहीं होती। यहाँ से डायरेक्ट अपन पानी कंट्रोल होता है, कितना पानी पौधों को देना है कितना नहीं देना है, ये सारी चीज यहाँ से गैस के द्वारा होती है। मतलब देख रहे हो, मतलब अपन जो दवाई लेके वो जो छाटते हैं ना जगह जगह, तो ये ग्रीन हाउस में ये सिस्टम होता है। तो डायरेक्ट मतलब जगह जगह पे फुहारे लग रहे हैं, मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है। और भी देखो अंदर से बताता हूँ कैसे ये लग रहे हैं ऊपर फुहारे। अच्छा ये वाले फुहारे ना इन नलियों के अंदर से होकर आती है दवाई। काले वाले तो कम से कम 40 टन 35 टन निकालते हैं 4 महीने में। हाँ 4 महीना 6 महीने की फसल है। अच्छा हाँ, तो मतलब खीरा के अलावा आप और नहीं करते किसी की खेती? नहीं, यहाँ खीरा ही उनके वेट में वजन में भी बैठ जाता है और अच्छा। उसके अलावा भाव भी मिल जाता है। हाँ, साल भर चलने वाला है होटल वगैरह बाहर ही हो रही है। मतलब जैसे सब्जी वब्जी का भी तो होता है ना, वो आप थोड़ी करते हो क्या? सब्जी ब्रोकली वगैरह इसकी डिमांड कहाँ पूरी करे? चित्तौड़ तो मंडी तो आसपास वाली कर ही सकती है, अगर हम एक दो भी लगा दे तो सप्लाई कहाँ करेंगे? अच्छा सप्लाई भी चाहिए। सब्जियों की खेती तो वैसे भी यदि ढंग से हो जाए तो सामान्य खेती से तो कई गुना फायदेमंद है। सब्जी वो तो अच्छा है, मेहनत ज्यादा रहती है। तो आप जैसे इसमें ये अभी जैसे हम लोग थोड़ी देर खड़े हैं, सफोकेशन होने लग गया, मास्क वगैरह ऐसे नहीं मास्क की जरूरत नहीं, सिर्फ ये गर्म नहीं जरूरत होती है। हाँ ये तो गर्म है, पर ये केमिकल वगैरह डालते हैं? नहीं केमिकल नहीं डालते हैं, ये वो छिड़काव तो करते नहीं करते लिक्विड। हाँ स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे जो वो नॉर्मल स्प्रे करते हैं, हाई डोज करते हैं, बाहर होते हैं वो इंदर। अच्छा वो हाई डोज वाले नहीं होते? नहीं। तो आपके क्या फिक्स वो हैं दुकानदार या फिक्स? हर बहुत सारे जिसको जिसको जो भाव में ऊपर जाता है वो ले जाता है यहाँ से। अच्छा आपसे उनसे कॉन्टेक्ट है सारे? तो वो उसे टेम्परेचर वगैरह क्या चाहिए होता है? मतलब बाहर से तो 5-6 डिग्री टेम्परेचर, 10 डिग्री ज्यादा ही होगा। अगर ज्यादा गर्मी होगी तो हम इसको नेट को फोल्ड कर देंगे, ठंड भी ज्यादा होगी तो भी इसको बंद कर देंगे थोड़ा टेम्परेचर। अभी ये अगर नेट ऐसे कर देंगे तो गर्मी कम रहेगी। सब्सिडी मिली या नहीं? ये हमने निजी में लगवाया, सब्सिडी तो बंद कर रखी है अभी सरकार दे ही नहीं रही है। पूरा बनाने में 5-1 लाख रुपए 13 लाख रुपए पूरे में पूरे महीने का मार्जिन कितना हो जाता है? होता तो 20 लाख का, मगर हमने कोरोना लिया था स्ट्रक्चर नहीं, महीने का नहीं है। अच्छा, तो ईयरली अच्छा, एक फसल में कम से कम बाकी 20 लाख भाव अच्छे मिल जाए वो ऊपर रहता है 8-1 लाख रुपए का टारगेट। अच्छा हो जाता है, फिर भी एवरेज 18-20 रुपए तो निकलता ही है। नहीं अभी लास्ट स्टार्टिंग में थोड़ा था तब तो 13 रुपए किलो भी दिया हमने, बैठ जाता 20 का बैठता है। हाँ 18-20 रुपए बैठ जाता है एवरेज एवरेज एवरेज। हमने पहले भी एक कार्यक्रम में हमने देखा था 18-20 बजे 30-25-30 जा रही तो बैठ जाएगा। मतलब पहले क्या करते थे? मैं एमबीए पास आउट हूँ, मैंने तो हेल्प किया था। इन भैया को बता रहा है करने वाले कोई ना कोई बड़े ही है, क्योंकि आज फैसिलिटी से ही लग रहा है। क्या है कि जैसे मैंने तो क्या है कि पहले 5 साल इसमें सर्टिफिकेशन बॉडी में काम किया हुआ है, ये ISO वगैरह सी मार्किंग टेस्ट ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वगैरह इसमें काम किया था। नौकरी करने उसमें 8 घंटा उनको देना रेगुलर देना, हम यहाँ फ्री अभी काम अगर जा सकते मर्जी हो तब कर सकते, ज्यादा भी खुद के मालिक खुद हो। मैंने देखा ना अभी हमने पिछले साल एक हुनर करके कार्यक्रम कराया 7 दिन का कृषि से संबंधित, तो जो नवाचार कर रहे हैं किसान 5-5 लाख रुपए की भिंडी एक बीघे में निकाल रहे हैं। देख रहे हो ये भैया आज हमारे साथ हैं, काफी अच्छी चीजें बता रहे हैं हमको।